एक मजबूत नींव लाल बहादुर शास्त्री जी ने रखी थी। आदरणीय अतिथि जी, बांग्लादेश की मुक्ति का आंदोलन और उसका समर्थन भी इसी सदन ने इंदिरा गांधी के नेतृत्व में किया था। यही इसी सदन ने इमरजेंसी में लोकतंत्र पर होता हुआ हमला भी देखा था और इसी सदन ने भारत के लोगों की ताकत को एहसास कराते हुए मजबूत लोकतंत्र की वापसी भी इसी सदन ने देखी थी। वो राष्ट्रीय संकल्प भी देखा था, ये सामर्थ्य भी देखा था। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये सदन इस बात का हमेशा ऋणी रहेगा क्योंकि इसी सदन में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री चरण सिंह जी ने ग्रामीण मंत्रालय का गठन किया था, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर। इसी सदन में मतदान की उम्र 21 से 18 करने का निर्णय हुआ था और देश की युवा पीढ़ी को इसका योगदान देने के लिए प्रेरित किया गया, उत्साहित किया गया था। हमारे देश ने गठबंधनों की सरकारें देखी, पीपी सिंह जी हो, चंद्रशेखर जी, और बाद में एक सिलसिला चला। लंबे अरसे से दिशा में देश जा रहा था, आर्थिक नीतियों के बोझ तले देश दबा हुआ था, लेकिन नरसिम्हा राव की सरकार थी जिन्होंने हिम्मत के साथ पुरानी आर्थिक नीतियों को छोड़ करके नई राह पकड़ने का फैसला किया था, जिसके आज देश को परिणाम मिल रहे। अटल बिहारी वाजपेयी जी का सरकार भी हमने इसी सदन में देखी, सर्वशिक्षा अभियान, देश में आज वो महत्वपूर्ण बन गया है। आदिवासी कार्यालय मंत्रालय अटल जी ने बनाया, नॉर्थ ईस्ट का मंत्रालय अटल जी ने बनाया, न्यूक्लियर टेस्ट भारत के सामर्थ्य का परिचायक बन गया। और इसी सदन में मनमोहन जी की सरकार कैश फॉर वोट को भी, उस कांड को भी सदन ने देखा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, सबका साथ सबका विकास का मंत्र, अनेक ऐतिहासिक निर्णय, दशकों से लंबित विषय, उनका स्थायी समाधान भी इसी सदन में हुआ। आर्टिकल 370, ये सदन हमेशा हमेशा गर्व के साथ कहेगा कि सदन के कारण वन नेशन वन टैक्स जीएसटी का निर्णय भी इसी सदन ने किया। वन रैंक वन पेंशन ओआरओपी, ये भी इसी सदन ने देखा। गरीबों के लिए 10% आरक्षण कोई विवाद के बिना पहली बार देश में करने में सफल रहा। आदरणीय अध्यक्ष जी, भारत के लोकतंत्र में तमाम उतार चढ़ाव हमने देखे और ये सदन लोकतंत्र की ताकत है, लोकतंत्र की ताकत की साक्षी है, जन विश्वास का एक केंद्र बिंदु रहा है। इस सदन की विशेषता देखिए और दुनिया के लोगों का आज भी आश्चर्य होता है, ये सदन है जिसमें कभी 4 सांसद वाली पार्टी सत्ता में होती थी और 100 सदस्य वाली पार्टी विपक्ष में बैठती थी। ये भी सामर्थ्य इस सदन के लोकतंत्र की ताकत का परिचय कराता है। और यही सदन है जिसमें एक वोट से अटल जी की सरकार गई थी और लोकतंत्र की गरिमा को बढ़ाया था, ये भी इसी सदन में। आज अनेक छोटी छोटी रीजनल पार्टियों का प्रतिनिधित्व हमारी देश की विविधता को, हमारे देश के एस्पिरेशंस का एक प्रकार से वो आकर्षक केंद्र बिंदु बना है। आदरणीय अध्यक्ष जी, इस देश में 2 प्रधानमंत्री ऐसे रहे, मोरारजी भाई बीपी सिंह, एक प्रकार से कांग्रेस में जीवन खपाया था लेकिन एंटी कांग्रेस गवर्नमेंट का नेतृत्व कर रहे थे, ये भी इसकी विशेषता थी। और हमारे नरसिम्हा राव जी
वो तो बिस्तरा गोल करके घर जाने की तैयारी कर रहे थे, निवृत्ति की घोषणा कर चुके थे, लेकिन यही लोकतंत्र की ताकत देगी।